हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर को बनाने के लिए उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। पहले हमने पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा ऑयल डालकर प्याज डालेंगे। ये हमने 3-5 प्याज ली है छोटे साइज की। प्याज ने अपना हल्का हल्का कलर छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने पहले से ही कट करके रखे हुए थे 4-5 टमाटर। ये हमने टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाना है। इतने हम कर देते हैं अपनी गैस की फ्लेम स्लो, गैस की फ्लेम स्लो करती है। अब हम अपने पनीर और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ये हमारा पनीर है, अब हम इसे कट करेंगे। हमारा कट हो गया है, अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ी सी हल्दी, से मिलाकर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम बाद में इसे फ्राई करेंगे। इससे हमारा टेस्ट अच्छा होगा और जो पनीर में फीका फीकापन आता है वो नहीं आएगा। ये है हमारी शिमला मिर्च जो हमने धोकर रखी हुई है। अब हम इसके भी पीस करेंगे। काट ली है, एक शिमला मिर्च में से हमने 4 पीस लिए हैं। साथ ही हमने प्याज भी काट ली, 4-5 प्याज काटी है, उसके भी हमने 1 प्याज के 4 पीस लिए हैं और सबको अलग अलग कर लिया है। टमाटर हमारे हो चुके हैं, अब हम गैस बंद करके इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल, 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल लिया है। हल्का इसे गर्म होने के बाद पहले हम इसमें शिमला मिर्च फ्राई करेंगे हल्की हल्की, ताकि वो सॉफ्ट रहे और उसका टेस्ट भी अच्छा है।
इसे हमने ज़्यादा फ्राई पकानी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे पकाना है हमने बस। ताकि इसका क्रिस्पीपन बना रहे। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसे निकाल कर अलग प्लेट में रखेंगे। अब मैं इसमें प्याज डालकर, प्याज भी ऐसे ही लाइट ब्राउन तक इसे मैं पकाऊंगी। ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। प्याज भी हमारी हो गई है, प्याज भी हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब हम इसमें जो हमने पनीर में नमक, मिर्च और नींबू का मैरिनेट करके इसको रखा था, उसे भी हम फ्राई करेंगे। पनीर हमारा हो चुका है, पनीर को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसे निकालते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा तेल और डालेंगे।
थोड़ा पानी से पानी डालकर अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, अब इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, इसे हमने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक इसकी साइडों में ऑयल नज़र ना आना शुरू हो जाए। जब तक ऑयल दिखेगा हम अपना आगे का काम करते हैं। हमारी कसूरी मेथी, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो थोड़ी निकल जाए। हमारी मेथी भुन चुकी है, अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसका हमने बारीक एकदम बारीक चूरा कर लिया है, अब हम इसे अपनी ग्रेवी में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच टमाटो सॉस, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा बनेगा। अब हम इसमें अपनी जो हमने शिमला मिर्च प्याज फ्राई की थी वो डालना शुरू करेंगे।
और अब हम इसमें पनीर डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। हमारी सब्जी कढ़ाई पनीर तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।